तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज मैं आया हूँ ग्राम गणेशपुर में, जिला सूरजपुर। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था जिस दिन फाइनल गेम खेला जाएगा उस दिन का वीडियो मैं डालूंगा, और कर्मा भी खेला जाएगा खेल के अंत में, और शुरू में भी कर्मा के साथ गेम स्टार्ट होगा। तो चलिए गाइस, आप लोग को दिखाता हूँ गेम और कर्मा। यहाँ पर काफी शानदार कर्मा नृत्य करती हुई महिलाएं। यहाँ पर श्री नरेंद्र यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं, जो जिला सूरजपुर के जनपद उपाध्यक्ष हैं। यहाँ पर सबसे पहले कबड्डी गेम होने को है, कबड्डी गेम के साथ शुरुआत होगा यहाँ पर। और उधर कर्मा नृत्य भी कर रहे हैं। यहाँ पर जब तक कबड्डी स्टार्ट हो रहा है तब तक आप सुहा नृत्य देख सकते हैं। और यहाँ पर कबड्डी स्टार्ट हो गया है गाइस, और यह कबड्डी गणेशपुर और कैलाशपुर के बीच खेला जा रहा है। देख भाई लंबू रे, जो खिलाड़ी हरे रंग के टी शर्ट पहने हुए हैं वो गणेशपुर टीम से हैं। Thank you.
तो गाइस इसमें कैलाशपुर की जीत हुई और इस कबड्डी को यहीं समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां पर जूनियर खिलाड़ी लोग का कबड्डी हो रहा है तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर कबड्डी समाप्त होने के बाद फिर से कर्मानिधि किया जा रहा है जिसमें श्री नरेंद्र यादव जी भी मांदर लेके नृत्य का एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से पंडाल के सामने कर्मा नृत्य किया जा रहा है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आज राजीव युवा मितान क्लब का जोन स्तर का खेल संभव हो पाया है और इसमें 8 ग्राम पंचायतों की टीम ने हिस्सा लिया था जिसका समापन आज हो चुका है। और यहाँ पर जो भी कर्मचारी आए थे वो अपने घर जाने की तैयारी में है इस तरह से नृत्य करती हुई ग्राउंड में। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह से खेल के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ और इसी के साथ ग्राम गणेशपुर का जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ का यह राजीव युवा मितान क्लब का समापन हुआ। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।